वॉल पॉइंट है, इससे मैं अपने चैनल का ही नाम लिख रहा हूँ। इसको आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। मेरे पास है फ्यूजी इंक रेजर, जो कोई भी बॉल पॉइंट हो, जेल फ्लो, स्टैंपिंग को उसको अरेज कर देगा। मैं इन्फो को अरेज करके दिखाता हूँ। ये देखें, बॉल पॉइंट से लिखा था तो मेरा जो इन्फो है मुकम्मल तौर पर अरेज हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त उमर। आप सब लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे पास है फ्यूजी का बॉल पॉइंट रिमूवर, जिसकी मदद से हमारे पास कोई भी बॉल पॉइंट हो, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, किसी भी किस्म का बॉल पॉइंट, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी स्टैंपिंग है, किसी भी किस्म की है, परमानेंट है, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये काम आएगा, फ्यूजी का रिमूवर। इसका तरीकाकार बहुत ही आसान है। करेक्शन टेप और करेक्शन पेन से ये काफी बेहतर है, क्योंकि उससे पता चल जाता था कि गलती हुई है और उसको रिमूव किया गया है। लेकिन ये जो है, इससे पता नहीं चलेगा कि रिमूव हुई भी है कि नहीं। जिस तरह पेन से लिखते थे तो रिमूवर के साथ रिमूव करते थे, पता नहीं था चलता कि रिमूव हुआ कि नहीं। ये भी सेम इसी तरह ही काम करता है, पता नहीं चलेगा कि रिमूव हुआ भी है कि नहीं। बॉल पॉइंट से लिखा था, गलती हुई है, रिमूव की है, और रिमूव हुआ भी है कि नहीं। काफी इजीली आसानी के साथ ये काम करता है। मैं आपको इसका तरीकाकार भी बताता हूँ। इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी एहतियात बता दूँ कि आपने कौन कौन सी एहतियात है जो बरतनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इसे बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि ये केमिकल है, तो बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कोई नुकसानदा ना हो। उससे नंबर पे आपको बताता चलो कि आपने इसे ज्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना, जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इसके अंदर केमिकल है, वो ड्राई हो जाएंगे तो आपकी जो कीमत है वो ज़ाया हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आपको बताता चलो, आपने इसे ज्यादा ठंडी जगह पे नहीं रखना, क्योंकि अगर ठंडी जगह पे रखेंगे तो ये फ्रीज हो जाएंगे, सही काम नहीं कर पाएंगे। चौथे नंबर पे बताता चलूँ कि आपने इन दोनों को बोतल को मिक्स नहीं करना, ये ना हो कि आप कहते हैं कि जल्दी काम हो जाए, इन दोनों बोतलों को मिक्स कर लें, तो इन्हें मिक्स नहीं करना, क्योंकि अगर मिक्स करेंगे तो सही काम नहीं कर पाएंगे। पांचवें नंबर पे बताता चलो, जब आपने इसे इस्तेमाल करना है, पहली बोतल को खोला, काम किया, लगाया, बंद कर दिया, दूसरी बोतल को खोला, काम किया, बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होते हैं, फौरन उनको बंद करना होता है। अगर देर करेंगे तो इसके अंदर जो केमिकल है वो उड़ जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि इन जो एहतियात बताइए, इन पे अमल कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बॉल पॉइंट को रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास है फ्यूजी का बॉल पॉइंट इंक अरेजर, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है बोतल के ऊपर कि आप इसको कैसे रिमूव करना है, इसका तरीकाकार भी लिखा हुआ है और साथ में बताया भी हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रैक्टिकली रिमूव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपना नाम ही लिख दिया है। तो बोतल के जो फ्यूजी है ना, इसके अंदर होती हैं दो बोतल्स। मैं आपको इसकी ओपनिंग करके दिखाता हूँ। इसके अंदर होती हैं दो बोतल्स, ये है नंबर वन, इसके ऊपर लिखा हुआ है नंबर वन बोतल्स, और ये नंबर टू। इसके अंदर होती हैं दो बोतल, नंबर वन और नंबर टू, और साथ में इसके दिए होती हैं दो ब्रश, ये होती हैं दो ब्रश, ताकि आपने इन दोनों बोतल के लिए अलग अलग ब्रश इस्तेमाल करें और दोनों को मिक्स ना करें। और साथ में दिया होता है एक पेपर, इस पेपर का मकसद ये है कि आप जब इंक को रिमूव करो तो पहले पेपर के अंदर रखो, ताकि जो आपका दूसरा पेपर है वो ख़राब ना हो, ताकि अगर आपसे इंक ज़्यादा लग भी जाए तो आपका जो दूसरा पेपर है वो ख़राब ना हो। आपने ये कोशिश करनी है कि इस पेपर को ना एक आधा पेपर और भी रख लें, ताकि अगर आपसे इंक ज़्यादा लग भी जाए तो आपका जो दूसरा पेपर है वो ख़राब ना हो, पहला पेपर आपका जो है ना सेफली रहे। तो तरीकाकार ये है कि आपने जो नंबर वन बोतल है ना, उसको पहले ओपन कर लेना आपने, जिस जगह को आपने रिमूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे अभी यू को रिमूव करना है, मैंने जो अपना नाम लिखा है, ये जो बोतल है इसको पहले आपने ओपन कर लेना है। और जो हमारे पास एक ब्रश है, उससे आपने हल्का सा केमिकल लगाना है, हल्का सा, ताकि जो पेपर आपका वो भी ना ख़राब हो और आपका जो अल्फाज है वो भी सही से मिट सके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा केमिकल लगाओगे तो आपका जो अल्फाज है वो ख़राब हो जाएगा, तो आपका पेपर भी ख़राब होगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो है ना, मेरे पास बोतल नंबर टू है, उसको मैं ओपन करता हूँ। नंबर वन जो बोतल है उसको पहले आपने क्लोज़ कर लेना है, ताकि आपका जो केमिकल है वो हवा में मिक्स भी ना हो और आपका जो केमिकल है बाद में भी काम आए। तो अब मैंने नंबर टू बोतल को ओपन किया, ये देख सकते हैं आप, ये नंबर टू बोतल है, और जो यू है ना, अब मैं उसके ऊपर लगाता हूँ हल्का सा, ये देखें, हल्का सा मैंने लगाया तो मेरा जो यू है ना वो रिमूव हो गया इजीली, आसानी के साथ। अभी ये पेपर गीला है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ,
अभी ये पेपर जो है ना गीला है, लेकिन जो हमारा बॉल पॉइंट है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो गया। जैसे ये खुश्क होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे भी हुए थे कि नहीं। ये देख सकते हैं जैसे जैसे पेपर खुश्क हो रहा है ना, तो हमारा जो बॉल पॉइंट है वो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा भी आया था कि नहीं। ये आप देख सकते हैं जब हमारा पेपर जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, तो जो मैंने यू मिटाया था वो मुकम्मल तौर पर अरेज हो गया। पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे यू लिखा भी आया था कि नहीं। इसका तरीका करिए है इसको अरेज करने का, मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। पहले आपने जो है ना नंबर वन जो बोतल है इसको इस्तेमाल कर लेना अच्छी तरह, फिर जो नंबर टू बोतल है इसको लगा लेना, और जो कोशिश करनी है कि आपने पहले जो पेपर है ना इसको नीचे रखना है। ये देखें मैंने यू को रिमूव किया था ना, ये यू ही पेपर पे बन गया है। इसका फ़ायदा ये होता है जो आपका दूसरा पेपर है वो ख़राब नहीं होता और आपका जो काम है आसानी के साथ हो जाता है। लास्ट पे आपको बताता चलो, इस जो फ्यूजी रिमूवर की कीमत है वो 90 रुपीज़ है। ये किसी भी आपको बड़े स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मैंने इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी बॉल पेंट रेस करने के लिए एक रेजर की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको फ्यूजी का ये रिमूवर नहीं मिलता तो आप वो रेजर ले सकते हो। अगर आपको रेजर नहीं मिलती तो आप ये फ्यूजी का इंक रिमूवर ले सकते हो। ये किसी भी स्टोर वगैरह से, बड़े बुक शॉप से मिल जाएगा आपको। तो इस तरह की वीडियो मैं लेते आऊँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।